दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन बीआईटी कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें सदन में उपस्थित पक्ष विपक्ष ने हंगामा करते हुए आसंदी पर बैठे सभापति को घेरा और अपने सवाल के जवाब को लेकर प्रदर्शन किया। दुर्ग नगर पालिका निगम की सामान्य सभा बजट बैठक का आयोजन दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के सभागार में सम्पन्न हुआ, जिसमे सभा शुरू होते ही भाजपा के पार्षदों ने अपने सवालों से सदन को घेर रखा, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षदों ने भी विपक्ष का साथ देकर सभापति को सवालों के बीच घेर लिया। गौरतलब है कि सामान्य सभा की इस बैठक में दुर्ग महापौर धीरज बाकरीवाल ने सदन में अपने बजट प्रस्तुत करने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर से सजी सूक्ष्म बजट पुस्तिका लेकर प्रस्तुत थे, तो वहीं भाजपा के पार्षद अजीत वैद ने अपने वार्ड की बहाली की तस्वीर पोस्टर में छपवा कर अपना आक्रोश जताया, तो वहीं पार्षद नरेंद्र बंजारे ओम प्रकाश सेन ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के साथ सदन पर लगातार आक्रोश जताते हुए अपने बातें रखने शुरू की। वही कांग्रेस के एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, दीपक साहू, संजय कोहले ने लगातार पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इसके बाद लगातार बहस होती रही। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद मदन जैन ने महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध जताया और सभापति के आसंदी के सामने जमीन पर लेट गए। इसी कड़ी में सभापति राजेश यादव ने सदन में भोजन अवकाश की घोषणा की। अवकाश के बाद सभा फिर से शुरू हुई, जिसमें दुर्ग महापौर द्वारा शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब देते हुए अपनी बातें कहना शुरू किया और इस वर्ष के बजट प्रस्तुत करने पर सदन के आगे अपना अभिवादन पड़ा। हम बता दें कि इस बार दुर्ग नगर निगम ने 13.5 लाख का लाभ का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें सर्व वर्ग के हितों और शहर की जनता के लिए फायदे का बजट प्रस्तुत किया गया है। माननीय सभापति महोदय से मेरा निवेदन है, उचित व्यवस्था बैठने की आप प्लीज करेंगे सर, हम लोग को बैठने में परेशानी हो रही है और किसी से भेदभाव ना किया जाए। कागज के पत्तलों में किसी को चाय पिलाई जा रही है तो किसी को कप पे दी जा रही है, सभी समान में है यहाँ पर, है ना। एजेंडा के विषय में ये भी चर्चा कर सकते हैं, एजेंडा के विषय में मैं भी चर्चा कर सकता हूँ। एजेंडा को भी पेंशन देने की घोषणा की, अरे ताली बजा दो, पहली बार ऐसा हो रहा है जो आप लोगों ने 15 साल नहीं किया वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी लोक गायिका उषा बागले को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने एवं दुर्ग की बेटी आकर्षि कश्यप को बैडमिंटन खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डीएसपी पद पर नियुक्त किए जाने पर समस्त निगम परिवार की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उपेश है तो भरोसा है कि मिसाल को सार्थक माना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वर्मा जी को देखने तो ना लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरे में सूरज, लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों में सूरज, तब जाकर कहीं सुहानी प्रभात हो रही है, कुछ तो बात है हमारे मुख्यमंत्री में। ताली बजा दो वर्मा जी, कुछ तो बात है हमारे मुख्यमंत्री में, नहीं तारीफ केंद्र सरकार से हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।